आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। इनसे मिलिए, यह है आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली चाहत पांडे। टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे ने आपकी तरफ से मध्य प्रदेश के दमोह से विधानसभा चुनाव लड़ा है। 17 नवंबर को मतदान हो चुका है, अब बस नतीजों का इंतजार है। उससे पहले चाहत पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें एक गाने पर वो डांस करती हुई नजर आ रही है और ठुमके लगाती हुई नजर आ रही है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। अभिनेत्री चाहत के ठुमकों पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उनके डांस पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ उनके बचाव में भी उतरे हैं। हमारे देश के नेताओं के ढिंचैक डांस करने के किस्से दुर्लभ है। उनका ऐसा करना आमतौर पर पॉजिटिवली नहीं देखा जाता है, और अगर डांस किसी महिला नेता ने किया हो तो बात ही क्या। चाहत पांडे का ये वीडियो अब कब का है ये तो नहीं पता। हालांकि उनके डांस पर सवाल उठाने वालों में से कईयों को पता होगा कि वो पहले टीवी एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन ट्रोलर्स का क्या है, उन्हें तो बस अपनी बात सही साबित करनी होती है, और उनके लिए वो तथ्यहीन बातें करें तो उनको कोई परवाह नहीं। सोशल मीडिया पर अजय पटेल नाम के एक यूजर ने ट्रोलिंग भाषा में चाहत के लिए लिखा कि क्या डांस करने वालों को देश चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। हालांकि ये पूछते हुए अजय भूल गए कि ऐसा कई नेताओं के नाम आसानी से इंटरनेट पर खोजे जा सकते हैं जो फिल्म या टीवी से जुड़े रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवा चुके एक यूजर जितेंद्र प्रताप सिंह चाहत के डांस वीडियो पर लिखते हैं, ये चाहत पांडे हैं, इन्हें आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश से विधायक का टिकट दिया है, अगर ये हार गई तो मेरा ईवीएम से भरोसा उठ जाएगा। अजय और जितेंद्र जैसे यूजर ने चाहत को ट्रोल किया तो कुछ उनके बचाव में भी उतरे। इन यूजर्स ने ट्रोलिंग करने वालों को आड़े हाथों लिया है। जैसे यूएच पाटिल नाम के एक यूजर ने लिखा, विधायक और टिकट और नाचने को लेकर आपस में कोई संबंध नहीं होता है, वह अपनी मर्जी से अपने कला को जाहिर कर रही हैं, यह कोई गलत नहीं है और इस बात में भी कोई गलती नहीं है। एक दूसरे यूजर विमल कुमार ने ट्रोलर को जवाब देते हुए लिखा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत से नाचने वाले विधायक सांसद भी बने हैं, ये सिर्फ आपकी गंदी राजनीति बोल रही है। ऐसे तमाम यूजर्स हैं जिन्होंने चाहत पांडे का वीडियो देखने के बाद ऐसे नेताओं के उदाहरण दिए जो फिल्म या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और अपने डांस के लिए भी जाने जाते हैं। खैर, ये बात तो हुई है ट्रोलर्स की। अब आपको बताते हैं कि कौन है चाहत पांडे जिनके डांस को लेकर सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा हुआ है। चाहत पांडे का जन्म 1 जून 1999 को मध्य प्रदेश के चंडी चोपड़ा गांव में हुआ। चंडी में रहते हुए चाहत ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई, बाद में जबलपुर के आदर्श स्कूल से 10वीं और दमोह जिले के JPB स्कूल से 12वीं की। पढ़ाई के बाद चाहत ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया और मुंबई चली गई। उनका एक्टिंग करियर 2016 में पवित्र बंधन नाम के सीरियल से शुरू हुआ। 2016 से ही चाहत ने सावधान इंडिया शो में भी कई रोल्स किए। चाहत ने चर्चित शो तेनालीराम में अनंत लक्ष्मी का रोल प्ले किया। फिर हमारी बहू सिल्क और दुर्गा माता की छाया जैसे सीरियल्स में भी भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा नथ अलादीन, क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। आपको बता दें, चाहत पांडे सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 11 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी रील्स पोस्ट करती ही रहती हैं, जिन्हें काफी पसंद भी किया जाता है। अब 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों में पता चलेगा कि उन्हें दमोह की जनता ने कितना पसंद किया है। वो चुनाव जीतेंगी या हारेंगी ये जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।